हेलो फ्रेंड्स, तो एकदम जूसी और क्रीमी वाइट पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल मार्केट वाले वाइट पास्ता बनके रेडी होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है। अब पानी गर्म हो गया है तो इसके अंदर पास्ता डालेंगे और पास्ता को मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे 2 चम्मच तेल डालेंगे और फिर मिक्स कर देंगे इसे। तो यहाँ पे पास्ता को पकने देते हैं। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गई है पास्ता को पकते हुए। तो ये देखिए, अपने पास्ता एकदम पक के रेडी हो गए हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, चेक कर लिया है, अब अपने पास्ता पक के रेडी हो गए हैं। तो उन्हें छान के अलग रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में बटर डाल दिया है। 2 चम्मच मैदा डालेंगे वाइट सॉस बनाने के लिए। अब इसे बिल्कुल धीमी गैस पर सेक लेंगे। तो ये देखिए, अपने मैदा से के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने विस्कर ले लिया है और दूध डाल देंगे। तो विस्कर से हिलाएंगे ताकि अपने लम्स ना पड़े इसके अंदर। तो ये देखिए, बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी हो गई है। तो इस तरह से रखना है कंसिस्टेंसी। तो अभी थोड़े मिनट पकाएंगे इसे। ये देखिए, अपना सॉस पक के रेडी हो गया। तो साइड में रख देते हैं। यहाँ पे सब्जियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में बटर डाल दिया है। अब शिमला मिर्च, ब्रोकली डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पत्ता गोभी डालेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो। तो यहाँ पे इसे पकाएंगे सब्जियों को। तो यहाँ पर ढक के पकाएंगे 2 मिनट के लिए और नमक डाल देंगे। नमक को अच्छे से हिलाएंगे। तो फिर ढक के पकाएंगे। तो ये देखिए, अपनी सब्जियां एकदम पक के रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पे सॉस ले लेते हैं, उसके अंदर पास्ता डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अपनी पकी हुई सब्जियां भी डाल देंगे इसके अंदर और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 1 चम्मच इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए, अपने पास्ता पक के रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे प्लेट में निकाल लेते हैं और एकदम जूसी क्रीमी पास्ता बनके रेडी हुआ है।